हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। संडे स्पेशल रेसिपी में आपका वेलकम है, स्वागत है। देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पाउडर जो बहुत अच्छा पाउडर है, आपका वेट लॉस करेगा, एनर्जेटिक है, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके सर दर्द को दूर करेगा। खास बात, मेन बात तो ये है, आपके सर दर्द को दूर करेगा, आपको गर्मियों में गर्मी नहीं लगने देगा और आप में एनर्जी रखेगा भरपूर, डलनेस दूर करेगा और अंदर से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको खाने से, और जो है आपका जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना इससे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा है अगर आपको गैस बनती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और आपको जो है बहुत अच्छी ताकत देने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज कोई बनाऊंगी नहीं, गैस पे कोई लिक्विड नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है, इसलिए आप इसको एक महीने दो महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं बना के आराम से, देखिए, और आप हर सीजन में इसको खाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर लगेगा। देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे मेन इसमें इंग्रेडिएंट है सौंफ। देखिए, सौंफ से आप सभी वाकिफ हैं, सभी परिचित हैं, ये डाइजेशन अच्छा रखती है, भूख को खोलने वाली होती है, आपका एक्स्ट्रा फैट को बर्न करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, आपके सर दर्द को दूर करती है और आपको गर्मी थकान से मुक्ति दिलाती है, ठीक है, दूर रखती है। ये है मिश्री। देखिए, मिश्री आप इसमें धागे वाली यूज करेंगे, धागे वाली मिश्री ये जो है शक्कर नहीं होती है, ये अलग टाइप का खजूर के और उससे मिलके बनती है, गन्ने और खजूर से, तो नेचुरल शुगर है ये, ठीक है, तो आप ये यूज करेंगे। और इसमें हम डालेंगे, देखिए, एडिशनल खसखस। खसखस से आप सभी वाकिफ हैं, ये पेट साफ करती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट को ठंडा रखती है और जो है आपके यूरिन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करती है, ये पथरी को काटती है आपके, अगर स्टोन बनने की प्रॉब्लम है तो उसमें दूर करती है उसको, और ये आपको एनर्जी देती है और आपका स्टेमिना बढ़ाती है। इसमें हम डालेंगे बादाम। देखिए, आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी लेना है, थोड़ा थोड़ा ही ये सब लेना है, बाकी मेन इंग्रेडिएंट है इसमें सौंफ और मिश्री, ठीक है। तो देखिए, बादाम, बादाम का आप सभी जानते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हार्ट को अच्छा रखती है, आपका आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, आपके बालों को अच्छा रखती है, बच्चे हैं तो उनमें याददाश्त की कमजोरी को दूर करती है, दिमागी को इसी भी प्रॉब्लम को दूर करती है। और इसमें हम डालेंगे आप काली मिर्ची। काली मिर्ची से आप सभी वाकिफ हैं, ब्लैक पेपर, देखिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, चूंकि हम ये दोनों चीज़ें ठंडी ले रहे हैं इसलिए हम ये इसमें गर्म चीज़ लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तीखे नेचर की होती है, इसलिए आपका गला साफ करती है, आपके टॉन्सिल्स को कंट्रोल करती है, आपके जुकाम खांसी एलर्जी को कंट्रोल करती है, ठीक है। और अब हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे हरी इलायची। हरी इलायची आपका माउथ फ्रेशनर का काम करती है, अगर किसी के मुंह से बदबू वगैरह आती है तो उसको ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करती है, आपके पेट को ठंडा रखती है और दिमागी कमजोरियां दूर करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पीसेंगे सौंफ और खसखस को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मिश्री, धागे वाली मिश्री, देखिए रहा इसका धागा, देखिए कहीं कहीं निकलता है और कोई कोई इसमें उड़ जाता है, तो ये कोई बात नहीं, ये नेचुरल धागा होता है, तो आप इसको अगर खा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना सामने आ जाए तो आप इसको हटा दीजिए, देखिए, ठीक है। देखिए, मैंने एक हरल में इसको कूट लिया है, क्योंकि इतने बड़े पीसेस ग्राइंड नहीं होते हैं, इसलिए देखिए छोटी सी खरल है मेरे पास मार्बल की, लेकिन मेरा काम चल जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखिए सौंफ को डालेंगे जार में सबसे पहले। देखिए, सौंफ का छान वान लिएगा, देख लीजिएगा, जैसा भी बीनना जो भी होता है उसको बीन लीजिएगा, हम इसके साथ मिश्री पीस लेंगे, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ पीस लेंगे, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पीस लिया है, देखिए इतना अच्छा फाइन पाउडर बन जाता है ये, देखिए कितना सॉफ्ट एकदम हो गया है ना। फिर भी हम इसको छानेंगे, क्योंकि हम इसको लिक्विड फॉर्म में पियेंगे, दूध में घोल के या पानी में घोल के, तो इसलिए उसमें कड़क नहीं आना चाहिए कुछ भी, है ना, इसलिए हम इसको इसमें छान लेंगे।
देखिए हमने पेपर इसलिए रखा है कि पेपर से उठा के भरने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये देखिए इतना निकल गया है। देखिए फ्रेंड्स ये जो थोड़ा सा निकला है खड़ा, हम इसको वापस से इसमें डाल लेंगे और हम इसको सेकेंड टाइम फिर से पीसेंगे। वो सेकेंड टाइम पीसते टाइम हम क्या करेंगे, इसमें ये खसखस डाल देंगे, ठीक है, और ये डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च, और ये डाल देंगे बादाम, और ये डाल देंगे हम हरी इलायची। देखिए अभी सारी एक साथ अपन इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमने पीस लिया है ऐसे ही, इसको भी हम ऐसे ही छान लेंगे। देखिए थोड़ा और बचा है, इसको हम एक बार और पीस लेंगे ऐसे करके, ये दो तीन बार में पूरा हो जाता है। देखिए अब हम एक बार और इसको छान लेंगे। देखिए अब इतना बना है बचा है, इसको हम इसमें तपेली में डाल देंगे। देखिए अब हम इसको एक सूखे जार में भर के रख लेंगे, क्योंकि ये आप आराम से 3-4-5 महीने जितना आपको चला सकते हैं इतने टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। जितना जितना ज्यादा आप बना सकते हैं आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि ड्राई चीज है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। अब देखिए इसको कैसे लेना है ये मैं बताती हूँ आपको। पहले हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। देखिए मैंने पेपर इसलिए यूज करा था कि ये जो है इजीली इसमें डल जाएगा। छोटे छोटे मैं आपको टिप्स भी देती जाती हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। देखिए अब हमने लिया है 2 गिलास, इसमें हम लेंगे 1 चम्मच ये पाउडर। अब आप चाहे इसको दूध में पीजिए, अगर आप दूध में पीते हैं पी रहे हैं, देखिए ज्यादा पौष्टिक बनाना हो बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसमें दूध डालिए। अगर आप वेट कम करना चाह रहे हो, आप जो है दूध नहीं लेते हो, तो आप पानी में ले सकते हैं। ये दूध और ये एक में डालेंगे हम पानी। देखिए अगर आपको इसमें कलर चाहिए ज्यादा अच्छा तो आप इसमें छोटी वाली सौंफ भी डाल सकते हैं। जो छोटी छोटी सी सौंफ आती है उसके ऊपर कलर चढ़ा हुआ आता है, लेकिन मैं चूंकि अच्छी चीजें यूज करती हूँ, मैं हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ, इसलिए मैं कलर वगैरह का यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए बिना कलर का थोड़ा सा इसका कलर ऐसा ही लगेगा, नहीं तो ये एकदम से ग्रीनिश कलर आ जाएगा। अगर आप छोटी वाली सौंफ भी इसके साथ यूज करते हैं उसका कलर एकदम से ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए तो ये देखिए एक दूध में और एक पानी में, ये देखिए दोनों बनके तैयार है। अब फ्रेंड्स ये जो बचा था लास्ट में, जैसा कि मैं सदुपयोग चीज हर रेसिपी के बाद बताती हूं आपको, तो देखिए ये बचा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको पानी डाल के हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे।
इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसको रात भर भिगो के रख देंगे जिससे ये सारा फूल जाएगा, क्योंकि अभी पीस नहीं रहा है इसलिए पूरा फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको पीसेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा इसका जूस बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके भी मैं आपको बताऊंगी, ऐड करूंगी इसमें। और देखिए आज की ये देख लीजिए रेसिपी, तो फ्रेंड्स ये थी संडे स्पेशल रेसिपी, टेस्टी हेल्दी। आपको कैसी लगी ये? देखिए ये पानी में है इसका कलर दिख रहा है, ये दूध में है इसका व्हाइट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने घर वालों को भी स्वस्थ रखिए और इसका यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स ये सदुपयोग चीज, ये हमने रात भर अपन ने गला दिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो हम इसका पानी निकाल लेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैं आपको ग्राइंड करके फिर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, देखिए गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसको ये स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। देखिए इस प्रकार करने से ये है एडिशनल चीज़ जो हमने नहीं बनाई थी, लेकिन ये खुद से बन गई। हमारे दो गिलास जूस और तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा है ये भी। देखिए सारा हमने भिगो के इसको गला के रात भर सोक करके पानी में फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी पड़ रही है। और देखिए सुबह में ये आपका पीस के रेडी है। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये मेरी रेसिपी? देखिए मैं चीज़ की मतलब जो भी चीज़ बचती है उसका भी मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो यह सदुपयोग चीज़ कहलाती है। तो देखिए दो गिलास बल्कि तीन गिलास देखिए जूस और बन चुका है हमारा, बहुत अच्छा टेस्टी एनर्जेटिक हेल्दी। ठीक है फ्रेंड्स।